हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर पीएससी प्री व्यापम किसी भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो इस करंट अफेयर्स की वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और इन सभी प्रश्नों के फैक्ट्स को, प्रश्नों को और इनके उत्तर को और उसके फैक्ट्स को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ जो है कोई उसके जो फैक्ट दिए हुए हैं उनसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल का प्रश्न है आपका, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एकलव्य पहल शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दिल्ली में है, दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एकलव्य पहल शुरू किया है। ये पहल क्या है याद रखिएगा, ये जो है पहल जो है एक शोध संबद्ध कार्यक्रम है। ठीक है, ये जो है किसी भी व्यक्ति के लिए है और याद रखिएगा ये उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास पारंपरिक कानून की डिग्री नहीं है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए जो है आपके पास स्नातक की डिग्री पूरी होने के बाद कम से कम 3 साल बीत चुका हो या फिर 3 साल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति इसमें पात्र होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, 2008 में। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके चांसलर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने जो है एकलव्य पहल शुरू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। छत्तीसगढ़ राज्य को सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा और सभी फैक्ट को पढ़िएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य को सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, पृथ्वी अवार्ड 2023 से। विस्तार पर बात करते हैं, 14 और 15 जुलाई को आयोजित ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को जो है ESG अर्थात पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। और इसी दौरान जो है आर्थिक स्तर में सतत विकास में योगदान हेतु कवर्धा और बस्तर जिले के, ठीक है, कवर्धा जिले के बूढ़ादेव और बस्तर जिले के वर्षा स्व सहायता समूहों को भी, महिला स्व सहायता समूहों को भी सम्मानित किया गया है। तो दो महिला स्व सहायता समूह कौन कौन से है, कवर्धा के बूढ़ादेव स्व सहायता समूह और बस्तर का वर्षा स्व सहायता समूहों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के किस व्यक्ति को चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में शामिल किया गया है। तो ये जो है बिलासपुर के विकास श्रीवास जो है इसमें शामिल रहे हैं। विस्तार में बात करते हैं, चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण में बिलासपुर के विकास श्रीवास ने बतौर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर रॉकेट की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा SLV के लिए 572 टन की प्लेट जो है BSP से भेजी गई। BSP मतलब भिलाई स्टील प्लांट की जो प्लेट लगी 572 टन की, ये दो इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए कि बिलासपुर के विकास श्रीवास जी इसमें जो है शामिल रहे बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर रॉकेट की संरचना बनाने में। और दूसरी चीज की भिलाई स्टील प्लांट के 572 टन की प्लेट इसमें लगी है चंद्रयान 3 में, ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 को भारी भरकम LVM3M4 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस रॉकेट से भेजा गया था, तो याद रखिएगा LVM3M4 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर मैंजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 को 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में लगभग 41 दिन लगेंगे, जिसमें वह पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आरंभ 17 जुलाई से किया जाएगा, इससे संबंधित ठुरलू खोटला किसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो ठुरलू कोटला है ये बस्तर दशहरे से संबंधित है, ये किस चीज किस रस्म को किस चीज को किसी विधि को किया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है
रथ के लिए लगने वाली लकड़ी, पहली लकड़ी, ठीक है। विस्तार में बात करते हैं, दशहरा पर्व का शुभारंभ हरियाली अमावस्या के दिन पाठ यात्रा पूजा से होगा, जिसमें परंपरा अनुसार बनने वाले रथ की पहली लकड़ी ग्रामीणों द्वारा माछकोट के जंगल से लाया जाता है। इसे ही ठुडलू खोटला कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो रथ बनाई जाती है माँ दंतेश्वरी की, उस रथ को बनाने में लगने वाली जो पहली लकड़ी होती है उसे कहते हैं ठुडलू खोटला। इसे जो है माछकोट के जंगल से लाया जाता है बिलोरी के ग्रामीणों द्वारा, ठीक है। बिलोरी के ग्रामीणों द्वारा ठुडलू खोटला लकड़ी को माँ दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जा रही है? तो सहायता राशि बढ़ा दी गई है, बढ़ोतरी हो गई है। तो अभी जो है 50,000 रुपये वर्तमान में सहायता राशि दी जा रही है। विस्तार पर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 4.5 सालों में 25,000 से अधिक बेटियों का विवाह किया जा चुका है इस योजना के तहत, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत निर्धन परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी करते हुए जो है 50,000 रुपये कर दिया गया है राशि को, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य का प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कहाँ लोकार्पित किया गया है? तो ये जो है कांकेर जिले में, राज्य के कांकेर जिले में लोकार्पित किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले में प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअली लोकार्पण किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के कितने सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो राज्य के 6 सरकारी अस्पतालों को जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के 6 सरकारी अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है, जिसमें से जो है उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरगुजा, बागबहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महासमुंद, और जरवे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जांजगीर चांपा, कुमरावंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर, बटई कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरगुजा, बागोदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांकेर। ये छह जो है अस्पताल, सरकारी अस्पताल शामिल है इसमें, जिन्हें राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस जयंती के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया है? तो सुश्रुत जयंती जो है अभी मनाई गई है, इस जयंती के अवसर पर जो है सेमिनार का आयोजन किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, 15 जुलाई को सर्जरी के जनक, इन्हें सर्जरी के जनक कहा जाता है सुश्रुत को, तो सुश्रुत जयंती जो है 15 जुलाई को मनाई गई है। इस अवसर पर सेमिनार का आयोजन 13 से 15 जुलाई तक किया जा रहा है, और सर्जरी के क्षेत्र में उनके योगदान को मनाने के लिए, मतलब उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और मनाने के लिए AIIA के शल्य तंत्र विभाग ने शल्याकॉन नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शल्य तंत्र एवं संज्ञाहरण विषय पर जो है इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, सुश्रुत के ज्ञान और प्रथाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है, और जयंती के अवसर पर 13 से 15 जुलाई तक सेमिनार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के लिए किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, पीएम मोदी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे परेड में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे, और उन्हें राष्ट्रपति मैक्रोन द्वारा सम्मानित किया गया इस सम्मान से, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो है कुल 9 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं, ब्राजील में 10 से 12 जुलाई तक आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में भारत ने 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। सौम्यदीप और श्रेया ने चैंपियनशिप में 3-3 पदक जीते, और गौरांशी, आदित्य, जेरलिन और पीयूष ने 2-2 पदक जीते हैं।
यह चैंपियनशिप जो है 2023 से बधिरों के लिए हर 4 साल में अंतरराष्ट्रीय खेल समिति द्वारा आयोजित की जाती है, ठीक है। कब से? 2003 से, हर 4 साल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पैरा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एशियाई रिकॉर्ड अभी बनाया है सचिन सर्जेराव ने। विस्तार में बात करते हैं, पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉर्ट पुट F46 वर्ग में सचिन ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को 8वां कोटा दिलाया है। अगले खेल के लिए, सचिन ने 16.21 मीटर के थ्रो के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है, और इससे पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने F64 भाला फेंक में 70.83 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर कितने रुपए प्रति टन कर दिया है? तो 1600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, ठीक है, कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर। अगला विस्तार में बात करते हैं इसके, केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से घरेलू कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 1600 रुपये प्रति टन कर दिया है, और मई 2023 में भारत ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 4100 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर शून्य कर दिया था, ठीक है। मई 2023 में ही जो है 4100 रुपये से घटाकर, मीट्रिक टन से घटाकर शून्य कर दिया था, अब शून्य से जो है फिर से 1600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, ठीक है। आर्थिक स्थितियों के बड़े और अप्रत्याशित लाभ होने पर सरकार द्वारा व्यवसायों का आर्थिक क्षेत्रों पर विंडफॉल लाभ टैक्स लगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। किस शर्त पर लगाया जाता है? आर्थिक स्थितियों के बड़े और अप्रत्याशित लाभ होने पर सरकार द्वारा व्यवसायों या आर्थिक क्षेत्रों पर विंडफॉल लाभ टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की जीएसटी निर्धारित की गई है। विस्तार में बात करते हैं, 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स जो है निर्धारित किया, टैक्स पर निर्णय लिया गया है। हॉर्स रेसिंग जैसे ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का जो है निर्णय ले लिया गया है, जिससे जो है ऑनलाइन गेमिंग में दाव पर लगाई जाने वाली पूरी रकम पर 28% की दर से जीएसटी टैक्स लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में सिंधिया ने किस हवाई अड्डे पर ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज और चौथे रनवे का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली हवाई अड्डे पर जो है उद्घाटन किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, 14 जुलाई को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज और चौथे रनवे का उद्घाटन किया है। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली का है। इस जो है ईसीटी के साथ जो है, याद रखिएगा, ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज के साथ जो है यह भारत का एकमात्र हवाई अड्डा होगा जहां एक ऊंचा टैक्सीवेज होगा, टैक्सीवे होगा, और उसके नीचे से जो है सड़कें गुजरेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमसी 2023 के कर्टन रेजर का उद्घाटन किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने जो है किया है। विस्तार पर बात करते हैं, एशिया के प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी एक्सपो इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस आईएमसी का 7वां संस्करण जो है 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा, और इस वर्ष की थीम होगी इसकी वैश्विक डिजिटल नवाचार, ठीक है। 2017 में जो है आईएमसी की स्थापना के बाद से इसने जो है भारत की स्थिति मजबूत की है, याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पर्वतारोही ने ईरान की सबसे ऊंची चोटी फतह की है? तो हाल ही में अभी अमित कुमार नेगी ने ईरान की सबसे ऊंची चोटी जो है इसे फतह की। विस्तार पर बात करते हैं, हिमाचल के कन्नौर जिले के बटसेरी गांव के पर्वतारोही अमित कुमार नेगी ईरान की सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंचे पर्वत जो है, ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत है दमावन के शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमित कुमार नेगी, और इससे पहले वे माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर भी फतह कर तिरंगा फहरा चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन जीतने वाली पहली गैर वरीय महिला महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, तो विंबलडन जीतने वाली पहली गैर वरीय महिला खिलाड़ी बन गई है मार्केटा वोड्रोसोवा, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं, चेक गणराज्य की 24 वर्षीय
मार्केटा ने ट्यूनिशिया की ओन्स जेब्यूर को हराकर विंबलडन ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। मार्केटा जो है दुनिया में 42वें नंबर की खिलाड़ी हैं, जो ये जो है इनकी पिछले साल ही कलाई की सर्जरी हुई है और इन्होंने इस साल जो है विंबलडन ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। वे जो है 2014 के बाद दुनिया की सॉरी 2014 के बाद विंबलडन जीतने वाली चेक की पहली महिला खिलाड़ी हैं बनी है, और इससे जो 9 साल पहले क्विटोवा ने ये जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देना होगा। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे अकेडमी में पीएससी प्री व्यापम जैसे क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे अकेडमी में, ओम अकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।